बदलते मौसम के साथ ही ठंड और गलन ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में जिला प्रशासन ने असहाय निराश्रित लोगों में लगातार गर्म वस्त्रों का वितरण कर उन्हें ठंड से बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं दूर दराज से आने वाले यात्रियों के रात्रि प्रवास के लिए रैन बरसों में भी मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वहीं पर अलाव, गर्म बिस्तर सहित अन्य जरूरत के सामानों को भी उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में सिटीजन संवाददाता से बात करते हुए डीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं। आगामी या वर्तमान में जो शीत लहर चल रही है उसको लेकर के राज्य सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें एक तो कंबल का वितरण है। हमारे जनपद में 30,000 कंबल टेंडर के माध्यम से हमें प्राप्त हो गए हैं। इनको जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, राजस्व विभाग के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से कि जैसे कहीं कोई सड़क पर निसहाय पड़ा हुआ है उसको तत्काल कंबल उपलब्ध करा दिया जा रहा है। तो कंबल वितरण का कार्य चल रहा है जो अगले 10 दिनों में पूर्ण कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त गांव और शहर के जो चौराहे हैं, तिराहे हैं, जो सार्वजनिक स्थल है, जैसे नगर निगम का क्षेत्र है तो उसमें नगर निगम की जिम्मेदारी है, नगर पंचायत का क्षेत्र है तो नगर पंचायत की जिम्मेदारी है, इसी तरह से अगर ग्राम का क्षेत्र है तो उसमें राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है कि ऐसे स्थल पर जहां ऑफ टाइम में मतलब रात्रि के समय लोगों को रुकना मजबूरी हो वहाँ पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए। इसी तरह से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड कहीं पर भी है तो मेरा अनुरोध है ऐसे सार्वजनिक स्थल पर जो लोग हैं कुछ लोग भी जिम्मेदारी ले लें जिससे वहाँ पर अलाव सुरक्षित रहे और लगातार जलता रहे। सर, रैन बसेरों की अगर बात करें तो वहाँ किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? जनपद में पर्याप्त रैन बसेरे हैं। मेडिकल कॉलेज से लेकर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सभी जगह रैन बसेरे हैं। वहाँ पर अच्छी सुविधाएँ हैं, सामान्य तौर पर अच्छी सुविधाएँ हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है और उसके रुकने की व्यवस्था नहीं है तो वो भी अपना रैन बसेरे में आकर के